सियासत मना है हम आज बात करने की कोशिश करेंगे उन तमाम मौजूद की के बारे में जिनका आपने बहुत मुख्तर क्लिप्स अभी देख लिए होंगे हम मेमो गेट के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे नेटो हमले के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे बॉन्ड कॉन्फ्रेंस की कामयाबी या नाकामी हम पाकिस्तान की शुमालीत के बगैर उसके हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और जरदारी साहब किधर हैं और वो क्या आने वाले हैं और आने वाले पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे ओबियसली बिकॉज ही इज़ इन दुबई हमारे आज मेहमान हैं सलीम साफ़ी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं तजयकार हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द रीजन जब हम बात करते हैं स्पेसिफ़िकली वॉर ऑन टेरर के हवाले से साफी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आप बॉन्ड uh, कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तो नहीं गया लेकिन आप uh, हमारे रहनुमा बन के चले गए थे आपको क्या क्या सामने नज़र आया साफ़ी साहब आपने अपने आर्टिकल्स में भी लिखा है आपको वहाँ का मूड कैसा लगा माइनस पाकिस्तान बहुत शुक्रिया जाफरी साहब बॉन कॉन्फ्रेंस यकीनन मैं गया था लेकिन आपका नुमाइंदा या रहनमा बन के नहीं गया था बल्कि वही मज़दूर जर्नलिस्ट की हैसियत से गया था और उसको कवर कर रहा था अपने जी ओ टी वी के लिए जहाँ तक उसके मूड का ताल्लुक है तो मूड तो जाहिर है कि पाकिस्तान का मुखालिफ था मजमू तौर तो पर और एक तो उसके जो लीडिंग शुरकात है ज़ाहरी बात है वो अमरीका हो जर्मनी हो या फिर नेटो के दीगर उसके इतिहादी हो तो वो सब भी पाकिस्तान के बारे में खूस अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के रोल से मुतल कोई अच्छी राय नहीं रखते और इसी तरह अफ़ग़ान हुकूमत वहाँ पर शर्क थी या अफगानिस्तान की सिविल सोसाइटी के कुछ नुमाइंदे शरीक थे तो पाकिस्तान से मुतल अफगान हुकूमत के या फिर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके गिले शिकवे भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर चूँकि पाकिस्तान दुनिया में वाद मुल्क था कि जिसने बाई कर रखा था तो जाहरी बात है कि पाकिस्तान हर तरफ़ से मौजूद बहस भी था और अफगान हुकूमत और अफगान शुरी ये शिकायत कर रहे थे कि पाकिस्तान को आना चाहिए था और हमारी दावत को रद्द करके पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया और जर्मनी की हुकूमत जो कि को होश थी इस मेज़बान की कॉन्फ्रेंस की अफगान हुकूमत के साथ तो उसको भी ये शिकायत रही लेकिन जो मजमू तौर पर बॉन कॉन्फ्रेंस का जो कारदगी कार्रवाई उसकी रही या फिर उसका जो अलामिया सामने आया तो बहरहाल वो उतना पाकिस्तान के मफादात से मुनाफी नहीं है जिस तरह के बाद लोग खदशा जाहिर कर रहे थे और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की अदम शिरकत के बावजूद पाकिस्तान के मौक़ को और पाकिस्तान के कंसर्नस को उस अलामिया में किसी हद तक पाकिस्तान की हैसियत और मुक़ाम के मुताबिक एड्रेस किया गया था साफ़ी साहब यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे ना जाने से आ, हम ज़रा ज़्यादा काम कर गए बन नस्बत इसके अगर हम चले जाते तो वही सारी चीज़ें सारे अलामिया जारी होते बस ये नहीं सामने आता कि हम उनसे नाराज़ भी हैं हमने कुछ प्लस वन अचीव कर लिया ना जाने से क्या ये दुरुस्त है असल में आ, मेरी तो अब भी ये राय है कि जाना बेहतर होता क्योंकि एक तो ये है कि इस स्टेज पे हमें अमेरिका के लिए उसके इतिहादी बढ़ाने नहीं चाहिए बल्कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अमेरिका के मुकाबले में हम न सिर्फ रीजनल कंट्रीज़ को अपना हमनवा बना लें बल्कि नेटो के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी जो मुख्तलिफ़ बज़ाहिर अमेरिका के इतिहादी हैं तो उनको भी अपने मौकफ़ कायल करा लें मसला अभी आप देखें तो एक तो ये है कि 100% परसेंट अगरचि कोई भी अमेरिका के मुकाबले में नहीं आ सकता लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से बरतानिया भी अमेरिका के साथ एक पेज पे नहीं है इसी तरह जर्मनी भी जो ग्राउंड पे जो एक्टिविटीज़ होती है बड़े तनाजुर में तो अगर देखे तो जर्मनी भी अमरीका ही के लाइन को टो करता है लेकिन बड़ी हद तक उसके भी इख्त हैं अफ़गानिस्तान से मुतल अमरीका के साथ और फिर आप देखिए तुर्की भी वैसे नेटो में शामिल एक मुल्क है लेकिन तुर्की की फ़ौज ना अफगानिस्तान के अंदर जंग में हिस्सा ले रही है और ना पाकिस्तान से मुतालिक उसके कुछ मनफी अजायम हैं तो एक तो जो मोहम्मद एजेंसी के वाक़े के लिए हम पूरे नेटो को टारगेट कर रहे हैं तो उससे अमरीका के इतिहादी बढ़ रहे हैं और शायद धीरे धीरे हम बाकी जो नेटो के पार्टनर हैं उनकी हिमायत से भी महरूम हो जाएंगे दूसरा इसमें भी कोई हकीक़त नहीं कि इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस होती हैं उनके पीछे अमरीकी दिमागी हक, कार फरमा होते हैं लेकिन बहरहाल ज़ाहरी तौर पर उसका होस्ट जर्मनी था और अफ़ग़ानिस्तान की हुकूमत थी और तभी आपने देखा होगा कि कॉन्फ्रेंस से पहले अमरीका ने बाकायदा उन अलफाज में पाकिस्तान से दरख्वास नहीं की बल्कि अमरीकियों का लहजा ये रहा कि अगर पाकिस्तान शिरकत करे तो उसके लिए बेहतर होगा लेकिन जर्मनी और अफगानिस्तान की हुकूमतें बाकायदा दरख्वास करती रहीं पाकिस्तान से शिरकत की तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान जाता तो एक आलमी फोरम पे और एक ऐसा फोरम जहां पे पाकिस्तान को एक की प्लेयर होने के नाते ज़्यादा तोज्जो से सुना जाता है तो वो अमेरिका से मुतालिक अपनी शिकायत को भी वहां पे सामने ला सकता था और जिस तरह ईरान के वजीर खारजा ने कुल की अपनी तकरीर में तनकीद की अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पे या जिस तरह चीन और रूस के वज्र खारजा ने अपने अंदाज़ में अमरीकी अजयम के साथ अपने इख्तलाब का इजहार किया तो पाकिस्तान भी ये काम कर सकता था और अमेरिका ही के मुकाबले में नेटो के अंदर भी अपने हक में लॉबिंग कर सकता था जहाँ तक अमेरिका के सामने एहतजाज का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है वो करनी चाहिए अमेरिका के सामने एहतजाज भरपूर तरीके से होना चाहिए लेकिन बॉन बोन कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत से शायद अमेरिका को, को कोई खास तकलीफ नहीं हुई अमेरिकियों को कुछ तकलीफ अगर हुई है या होगी तो वो नेटो सप्लाई की बंदिश से है तो मेरी तालब इलमाना राय ये है कि अगर अमेरिका को सिंगल आउट करके बॉन कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया जाता तो बहुत बेहतर होता लेकिन बहरहाल जो हम जैसे लोगों के जहन में खदशात थे कि बॉन कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत से पाकिस्तान को इस क़दर नुकसान होगा या कि शायद फैसला ही या डिक्लेरेशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ जाए तो वो हम जैसे लोगों के खदशात भी आ, बड़ी हद तक बेजा साबित हुई और उस क़दर मनफी कोई डिक्लेरेशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं आया जो कि ख़दशा था सही साफ़ी साहब ये नेटो की सप्लाई लाइन ब्लॉकेट से पहले इसके ऊपर तो बात करेंगे हम इसके इसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं लेकिन सर आप हामिद कारज़ाई साहब से मिले और आप एक से ज़्यादा दफ़ा मिले और आपने इंटरव्यू किया है सर कर्जाई साहब के हवाले से भी वो कहा जाता है जो अब जद्दारी साहब के बारे में कहा जा कहा जा रहा है उनकी मेन्टेलिटी की तरफ ये कहा जाता है कि एक बाइपोलर तरीके से काम लेते हैं कभी बहुत खुश तो कभी बहुत गुस्सा बहुत नाराज सर कारजाई साहब का आ, आपने उनको किस एक्सट्रीम पे देखा या आप इस बात से एग्री भी करते हैं या नहीं असल में अब तो यह पाकिस्तान में भी साबित हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो ऐसे मुल्क हैं कि यहाँ की हुक्मरानी कोई आसान काम नहीं है ये कांटों की सेज है पुलों का हार नहीं है और ये अच्छे भले होशियार लोगों को भी पागल बना के रख देता है पाकिस्तान में आपने देखा कि बहरहाल जरदारी साहब बड़े हौसले और हिम्मत वाले आदमी हैं और उनके शदीद मुखालफ भी इस बात पर उनकी तारीफ़ किया करते थे कि उन्होंने बड़ी हौसले बड़े हौसले और जमा मर्दी के साथ कैद काटी है और जिस तरह हमारे बाकी लीडर घबरा जाते थे तो कभी जरदारी साहब घबरा नहीं गए लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान की पाक। सिर्फ चार तीन साल की हुक्मरानी ने जरदारी साहब को दिमागी और ज़हनी हवालों से किस मुकाम तक पहुँचा दिया तो जाहिर बात है कि अफ़ग़ानिस्तान की हुक्मरानी तो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुश्किल काम है यहाँ पर तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अपने इंटरनल रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा हैं ठीक है फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा बहरहाल हमारे अपने इंटरनल रिसोर्स तो हैं बाकी के लिए आप दुनिया के मोहताज होते हैं लेकिन अफगानिस्तान की इस वक्त हालत ये है कि 95 परसेंट से ज़्यादा उसको अपने बजट के लिए गैर मुल्की इमदाद पर इहसार करना पड़ता है और सिर्फ पाँच परसेंट से भी अफगानिस्तान के इंटरनल रिसोर्स कम हैं फिर हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि सात आठ लाख की फ़ौज है दुनिया की एक मनम फ़ौज है अफ़गानिस्तान के अंदर अब सूरतयाल ये कि अभी तक भी उनकी फ़ौज दो लाख तक नहीं पहुँची और जो फ़ौज बनी भी है तो उसकी हालत भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले यानी पाकिस्तान पिछले साठ सालों में अपने लिए आर्मी बरदरी में भी एक मुकाम पैदा कर चुका है अमेरिका के मुकाबले में चीन किसी न हद तक हमारा सहारा बन सकता है सऊदी अरब है बाकी बहुत सारे ममालिक हैं और अफ़गानिस्तान की तो हालत ये थी कि यानी आज से ढाई दो साल पहले तक हामिद करजई साहब अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के लिए भी ग़ैर मुल्की अफवाज के रहम करम पे थे तो इन हालात में जबकि आपके आवाम का मूड बिल्कुल दूसरा हो आपके मुल्क के अंदर अपने इदारे मस्तकम ना हों और फिर उसके जो रीजनल ममालिक हैं और जो ग्लोबल प्लेयर्स उसके मुल्क में आ चुके हैं उन सब के मफादत और कंसर्न और इंटरेस्ट वो एक दूसरे से कंट्रेडिक्टी हैं मसलन वो अगर अमेरिका के करीब जाते हैं तो चीन नाराज़ हो जाता है और ख़ुद मुल्क के अंदर तालिबान और अलकायदा वाले ज़्यादा बरहम हो जाते हैं वो अगर पाकिस्तान के करीब आते हैं तो हिंदुस्तान भी नाराज़ हो जाता है और अमेरिका भी नाराज़ हो जाता है वो चीन के करीब जाते हैं तो दूसरा नाराज़ होता है तो वो यानी इन सब क़तों में पसे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर ये हालत है कि तालिबान उनसे कहते हैं कि हम आपसे बात तब करेंगे जब आप अमरीका और जो दीगर गैर मालिक हैं उनकी अफवाज को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल दें दूसरी तरफ अमरीका के साथ अब उनका तनाजा ये है कि अमरीकी 2014 के बाद भी अपने अड्डे चाहते हैं वहाँ और उसके लिए वो करज़ई पे दबाव डाल रहे हैं कि वो उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लें इसी तरह जो शमाल के लोग हैं इनकी तालिबान जो अनासर हैं काबुल के अंदर या काबुल से बाहर वो हामिद करज़ई साहब पर यह तनकीद कर रहे हैं तुम पाकिस्तान की खातिर तालिबान के साथ मुजाकर कर रहे हो यानी वो मुकरान के रवादार नहीं हैं और तालिबान को जगह देने के रवादार नहीं हैं और दूसरी तरफ तालिबान उनकी हैसियत को तस्लीम करने पर आमादा नहीं है तो एक तो इन सब आ, हालात के तनाज़र में आप देख लें तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी इस वक्त जहनी हालत क्या होगी और ये जो कभी उनका टल्ट एक तरफ और कभी दूसरी तरफ नज़र आता है तो उसकी वजह क्या है सही साफ़ी साहब ये अमेरिकन प्रेजेंस की आपने आपने बात करी मेरे एक दोस्त हैं वो मर्चेंट शिपिंग में वो काम करते हैं उनका एक मुलाकात हुई थी उनकी एक अमेरिकन जनरल से जो कि कैंप बेस्टियन जब कनाडा से ले अमेरिकी अमरीकी अफवाज की तरफ दे दिया गया था या एलाइड फोर्सेस के अंदर विद इन इंटीरियर के अंदर उनके कैनेडा ने उसका उसको संभालना छोड़ दिया और अमेरिकन ने उसको संभालना शुरू कर दिया तो उन उनसे एक सवाल पूछा गया था जो मुझे मेरे ख्याल से एक बड़ा बेहतरीन सवाल था कि जब सप्लाई आती है पाकिस्तान से जिस भी हाल में बचते बचाते जब पहुँच जाती है उनके कैंप बेस्टियन के लिए क्योंकि वो सदन अफगानिस्तान में है तो वहाँ पे तालिबान रहनुमाओं को वो लोग लो रिश्वत देने के बाद वहाँ से छुट के कैंप बेस्टियन को जाके सप्लाई करते हैं और फिर उनके लिए उनके लिए सवाल सामने आता है कि ये तालिबान रहनुमा जो रहनमा इनके पास पैसे कहाँ से आए तो सर ये एक सर्कुलर साइकिल है जिस तरह हमारे यहाँ सर्कुलर डेट है उस तरह वहाँ पर कुछ सर्कुलर बेवकूफ़ी है पैसे भी ख़ुद उन्हीं को देते हैं फिर उनसे लड़ते हुए सोचते हैं कि इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं आप समझते हैं कि ये अमेरिकन अपने लिए एक एक अर्ली ग्रेव डिग कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर असल में अमरीकियों की इस हवाले से जो हमाकते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं और एक तो वो इस खित्ते से उनकी नावाकफियत है अब भी मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली ब्रिटिश की अंडरस्टैंडिंग इस रीजन की बेहतर है अमरीकियों के मुकाबले में दूसरा एक ताकत का और टेक्नोलॉजी का ज़ोम भी होता है और जब ताकत के ज़ोम में इंसान या कौम मुब्तला हो जाती है तो फिर वो अक़ल से बहुत कम काम लेती है और वो सब लोगों को कमतर समझती हैं तो अमरीकी भी इस जहन के साथ आए और उनका यह ख्याल था कि हमारी इस क़वत और इस दौलत और इस हशमत और इस टेक्नोलॉजी के सामने अफगान जो है वो ठहर नहीं सकेंगे और शुरू के सालों में ऐसा हुआ भी कि तालिबान की हुकूमत उनकी से बहुत जल्दी ख़त्म हो गई तो एक तो उसके बाद उन्होंने इस जोम में आके जो पड़ोसी के साथ पंगेबाजी शुरू कर दी और जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाँ मुख्तलिफ मनसूब जहन में छुपा के रखे थे वो सेंट्रलेशन रिसोस से मुतालिक थे वो चाइना से मुतालिक थे वो पाकिस्तान और गवादर से मुतालिक थे वो ईरान से मुतालिक थे वो सब उन्होंने ला के मेज़ पर रख दिए और उसकी वजह से वो सब ममालिक अपनी अपनी जगह पर डर गए और वो भी अफगानिस्तान में अपने अपने अंदाज में अमरीका और उसके इतिहादियों की मुजामत करने लगे और दूसरा ये जो वहाँ के कल्चर और वहाँ की सोसाइटी अदम वाकफियत के नतीजे में अमरीकियों ने ऐसे ऐसे ब्लंडर्स किए कि उसकी वजह से उनका काम बहुत मुश्किल हो गया और उसकी वजह से अब वो शिकस्त के करीब पहुँच रहे हैं मसला शुरू में उन्होंने ये किया अफगानिस्तान आके कि जितने भी उनको जहाँ जहाँ तालिबान के मुखालफ नज़र आए उन्होंने उनको अपना एजेंट बना दिया और उनको उस वक्त सेटेलाइट फ़ोन दे दिए और उनसे कहा कि आपको जहाँ पर अलकायदा वाले और तालिबान नज़र आए तो आपने इस फ़ोन पर हमें इतला देनी है अब जाहिर बात है उस सोसाइटी के जो अपने डायनेमिक्स हैं तो जिस बंदे के अगर किसी के साथ ज़मीन का तनाज़ा आता किसी कारोबार का तनाज़ आता या वैसे कोई ख़ानदान तनाज़ चल रहा था तो अलकायदा वाले की या तालिबान की निशानदही करने की बजाय वो बंदा अमरीकियों को फ़ोन करके ये गलत बयान ही करता कि फ़ला जगह पर अकायदा वाले ठहरे हुए हैं और उसके नतीजे में वो आके उसको हट कर लेते थे अभी ये जो आपने अमरीकीयों की तरफ से तालिबान को पेमेंट की बात की तो ये बिल्कुल हकीकत है और आज से दो साल पहले मैंने ख़ुद पहली मरतबा जब इसको एक आर्टिकल में लिखा तो लोग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे कि किस तरह ये हो सकता है कि अमरीकी तालिबान को पैसे देंगे असल में जो सप्लाई अमरीकीयों को जा रही है वो उन्होंने लोकल जो कंट्रैक्टर हैं उनके ज़िम्मे वो सपोर्ट किया है और अमरीकी उनको पेमेंट करते हैं और आगे जो लोकल कंट्रैक्टर्स हैं वो फिर ट्रकों के मालिकान को पेमेंट उनकी तरफ से होती है अब शुरू में उनको जनूबी अफ़ग़ानिस्तान में उन ट्रकों को निशाना बनाया जाता रहा और तालिबान की तरफ़ से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इतनी बढ़ गई कि वो मुकामी ड्राइवरों ने और कंट्रैक्टरों ने इनकार कर दिया और अमरीकीियों से कह दिया कि हम मज़ीद आपको ये सप्लाई नहीं आ, कर सकते तो उसके लिए फिर तालिबान से मकामी लोगों के ज़रिए उनकी बातचीत हुई और ये तय पाया कि वो लोकल कंट्रैक्टर और वो ड्राइवर वो हर ट्रक के एवज तालिबान को पेमेंट करेंगे और वो पेमेंट अमरीकियों ने इनके साथ मान ली कि फी ट्रक हम आपको उतनी इजाफी तो वो इजाफी रकम अमरीकियों की तरफ़ से इनको पे होती है और जगह जगह उसके बाकायदा चेक पोस्ट बने हुए हैं वहाँ उसकी एंट्री होती है और उन टे की तरफ से तालिबान को पेमेंट की जाती सही। है सही साफ़ी साहब एक ब्रेक लेंगे सर अभी तक हमने जो बात करी उसको अगर इस तरह करें कि अमरीका की जो जंग है अफगानिस्तान में जिसको हम भी ओन करने की कोशिश करते रहते हैं फिर कभी कभी पीछे चले जाते हैं उसका हाल कुछ ऐसा है कि अपनी बंदूकों के अंदर जब मज़ीद बुलेट्स डालने का वक्त आता है तो तालिबान को पैसे देते हैं फिर तालिबान पैसे इस्तेमाल करके अपनी बंदूकें खरीद लेते हैं और फिर वो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं और सोचते हैं कि ये मर क्यों नहीं रहे आप देख रहे हैं सियासत मनाए आफ्टर ब्रेक